अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। इंडिया न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है, मैं हूँ फातिमा शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश गोंडा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष उप मंत्री हीरा ठाकुर ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों से जानकारी ली और जन प्रतिनिधियों से मुलाकात किया। हीरा ठाकुर ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया और गोंडा के पिछड़ा वर्ग विभाग के अधिकारी अंजनी कुमार के जिले में पिछड़ा वर्ग के समस्त योजनाओं का बेहतर लाभ देने हेतु निर्देशित किया। जिले में पिछड़ा वर्ग के ब्लॉक व तहसील स्तर पर कार्यक्रम चलाकर गांव-गांव जागरूक करें, सभी राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाएँ। पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष रंजीत बाबा और समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोंडा से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग का आयोग का उपाध्यक्ष और जो अभी संवैधानिक दर्जा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग को, तो बड़े पैमाने पर लोगों को तो जानकारी है, लेकिन उनकी बड़े पैमाने और जितनी बड़ी आबादी है उनकी समस्याएं भी कुछ ऐसी हैं। तो इसी पर्पज से आए हैं गोंडा में कि उनकी कुछ समस्याएं भी उनकी सुनेंगे और पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे क्या उसकी सरकार की जो योजनाएं हैं, जमीन तक कितनी उतर रही है नहीं उतर रही है, उसका भी परीक्षण किया है और अभी और एक बैठक करेंगे और उसके बाद सुबह लखनऊ चले जाएंगे। विभागीय परीक्षा आपने किया, उसमें क्या पाया? देखिए ऐसा, पिछड़े वर्ग के लोगों को वजीफा की चीज़ें थी और कई मामले थे, उनके बच्चों की शादी का था। संतोषजनक तो है लेकिन जितना सरकार चाहती उतना संतोषजनक नहीं है, इसलिए अधिकारियों को भी मैंने कहा है कि वो सुधार करें और नहीं तो दिक्कत होगी। सर, स्थानीय स्तर पे यहाँ जो है मतलब जो स्थानीय स्तर पे ये मतलब ये चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी जो है मतलब भ्रष्टाचार इस मामले में वजीफा में और इन सब चीज़ों में, जिसमें कहीं ना कहीं विभागीय जो है लापरवाही भी काफ़ी ज़्यादा है, लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इसकी बात, आपकी किसी बात को मैं नकार तो नहीं रहा हूँ, भ्रष्टाचार था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से ऑनलाइन ये सब हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। हम ये बात आपकी मान सकते हैं, अभी बहुत हमारे ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का अभाव है, हमारे लोग उतना परफेक्ट नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से उनको समय समय पर मॉनिटरिंग कर रही है और ऐसे जो लोग मिलेंगे, क्यों ना वो बड़े से बड़े अधिकारी हों, उनके साथ में कोई रियायत नहीं की जाएगी। अभी आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री जी ने और लगभग 15-20 बड़े अधिकारियों को अभी उनको कारमुक्त किया, इसलिए को भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं। सर, यहाँ मॉनिटरिंग की, ऐसे लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था? देखिए इसके लिए मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आप भी हमारे उस खंभे के, उस छत के खंभे हैं, अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो छत गिर जाएगी। मैं समझता हूँ कि जितनी आप मुझे बेहतर जिले में शायद उसमें पढ़ के बताना चाहता हूँ, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हुआ, लेकिन हमारे इसी मीडिया ने, कुछ हमारे लोग खिलाफ भी थे पक्ष में भी थे, लेकिन जनता ने जो काम किया उसमें बड़े पैमाने पर मीडिया का भी रोल है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को देने का काम किया है और भरोसा रखिए ऐसे लोगों के साथ में कार्यकर्ता लोग थे, उनको आपने उजागर किया। मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ, जैसे ममता बनर्जी ने जिस समय कमिश्नर के खिलाफ धरने पे बैठी पूरे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पिछला सरकार थी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव में, मैं उसमें सलाहकार राजमंत्री उसमें हूँ, उस समय पिछड़े वर्ग का मतलब कुछ नहीं था, यहाँ तक पिछड़े वर्ग के जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें उनके कैबिनेट मंत्री थे चौधरी साहब, उनको इस्तीफा देना पड़ा और मैं स्वयं उसमें सलाहकार था, मुझे खुद उनको छोड़ गए, क्योंकि जो
बच्चे बीटेक थे, एमटेक कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, उनका पैसा उठा करके उन्होंने दूसरे मद में खर्च करके उन बच्चों के जीवन को रोकने का काम किया। ये सरकार जब से आई इसको संवैधानिक दर्जा दिया है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताए दे रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी तक पिछड़ों के साथ अत्याचार होते थे, थानों में नहीं सुनवाई होती थी, कचहरी में सुनवाई नहीं होती थी, कोर्ट में भी लंबित रहते थे, आज पिछड़े वर्ग को ये अधिकार है कि वो कोर्ट में भी जा करके अब इस पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए पैर भी करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको उनके यहाँ हमारा हम कोर्ट में जाएंगे, हमारा या आयोग का निर्देश जाएगा और उस निर्देश के आधार पे हम उसकी पत्रावली भी ला करके हमारा आयोग देखेगा। सर, क्या आपके पास कोई फिगर है कि पूरे प्रदेश में कितने एसपी, कितने डीएम पिछड़े वर्ग के पोस्ट हैं? मैं एक बात कह देता हूँ, सबका हमारी सरकार की नीति जाति के आधार पे नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम जाति के आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं, हम निर्णय लेते हैं योग्यता, क्षमता और कार्य के ऊपर। इसमें आप इसमें हमारा कोई समझौता नहीं, हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। जो आयोग हमारा है, ये संवैधानिक दर्जा, पहले आयोग था इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर जरूरत पड़े, मैंने कहा अगर यहाँ कोई थाने में उत्पीड़ित किया जा रहा है, हमारा नोटिस दे, उसको कोर्ट से न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे एप्लीकेशन दे, उसको कोई गांव में बड़ा परेशान करता है, हमारा नोटिस दे, हम सीधे उसको कार्रवाई करने के लिए हमको ये अधिकार दिया है सरकार ने। हम नोटिस जारी करेंगे, मुकदमा चलेगा और जो उसकी वैधानिक सजा बनेगी सर, उसको शासन आदेश है कि जिले में मतलब परसेंटेज के हिसाब से थाना अध्यक्षों को पोस्ट किया जाए, क्या ये लागू है? मैं समझता हूँ ये शासन आदेश बहुत पुराना था और उस समय था जिस समय जातवाद की सरकारें चला करती थी। आज के सरकार में ऐसा शासनादेश नहीं है। जो अच्छा कप्तान है, अच्छे जिलाधिकारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जगह दी गई है और उनको आगे भी बढ़ाया जाएगा। क्या शासनादेश में कोई परिवर्तन कर दिया गया है? मैं इसके बारे में तो कोई जानकारी मुझे नहीं है, और आपको जानकारी हो तो बताइए। नहीं, उसी के तो मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मुझे कोई जानकारी, यहाँ तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।